तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बोट की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तों बोट अल्टिमा वोग। इसे गाइज मैंने अमेजोन से फर्स्ट सेल में 3000 रुपए में परचेज कर लिया था। पिछले दो दिनों से इस वॉच को दोस्तों मैं टेस्ट भी कर रहा हूं, और गाइज 3000 रुपए में काफी इंटरेस्टिंग से फीचर इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 1.96 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉलिंग और दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फंक्शनल क्राउन भी मिल जाएगा, और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और इंटरेस्टिंग से फीचर इस वॉच में आपको मिलने वाले हैं। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और गाइस हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और गाइस यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कर्व्ड 3D डिस्प्ले, 1.96 इंचेस का इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, एक आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। कुछ कैटलॉग वगैरह मिल जाते हैं बोट की तरफ से, और गाइस कुछ स्टिकर वगैरह भी इन्होंने दे रखे हैं। एक आपको वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है, और दोस्तों लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी है, तो दोस्तों काफी डिस्टेंस से आप अपनी वॉच को चार्ज भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन दोस्तों मुझे काफी तगड़ा लगा है। कुछ रेक्टेंगुलर शेप में इसका डायल देखने को मिलता है, और दोस्तों कर्व डिजाइन इस पर आपको मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। इसमें जो क्राउन बटन दे रखा है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है, और गाइस इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉच पीस चेंज कर पाएंगे, और गाइस मेन्यू को भी ऑपरेट कर पाएंगे। नीचे वाले बटन से दोस्तों आप अपने स्पोर्ट्स मोड को डायरेक्टली ऑपरेट कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया, सारे सेंसर यहां पे दोस्तों आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, और गाइस इस साइड आपको मिल जाता है माइक्रोफोन। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों फुली सिलिकॉन के स्ट्रैप आपको मिल जाते हैं, सॉफ्ट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो दोस्तों आपके हाथ में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और दोस्तों ये वॉच आपको मेटल के स्ट्रैप के साथ भी मिलती है। मुझे दोस्तों सिलिकॉन के स्ट्रैप ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सिलिकॉन के साथ इसे परचेज कर लिया था। आप चाहो तो दोस्तों आप इसे मेटल के साथ भी परचेज कर सकते हो, और गाइस इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों कोई भी सिलिकॉन और दोस्तों मेटल के स्ट्रैप से आप इसे रिप्लेस भी कर पाएंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिस्प्ले दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा है। 1.96 इंचेस का इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 410x502 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, और गाइस डिस्प्ले की जो शार्पनेस है वो भी मुझे काफी ज्यादा तगड़ी लगी है। साथ ही साथ आपको 600 निट्स ब्राइटनेस भी मिल रहा है। तो दोस्तों अभी इस वॉच को मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहां पे काफी तेज धूप हो रही है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो गाइज अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। और गाइज इसके डिस्प्ले पे ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगा लिया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वॉच की कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों बोट क्रैश ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऐप की UI की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो में ये वाला ऐप मैं कवर कर चुका हूं, तो दोस्तों वहां से जाके आप इसकी UI वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। UI दोस्तों एकदम बटर स्मूथ है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप क्राउन बटन को रोटेट कर रहे हो तो दोस्तों यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे, और गाइस ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे। यहां पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉच पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे नेचर, मिनिमल, क्लासिक, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाता है। अगर आपको अपनी फोटो लगानी डिस्प्ले पे तो दोस्तों कस्टमाइज और वॉच पीस में जाकर आप अपनी फोटो वगैरह भी लगा पाएंगे इसके डिस्प्ले पे। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करो तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलेगा, और दोस्तों रेस्टिंग हार्ट रेट भी मिल जाएगा। यहां पे आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। एक बार और स्वाइप करो तो दोस्तों यहां पे आपको स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिलेगा, SPO2 मॉनिटर, और दोस्तों यहां से आप अपने तरीके से कोई भी कंपोनेंट ऐड कर पाएंगे। अब स्वाइप अप करो तो दोस्तों यहां पे आपको मिल जाता है शॉर्टकट पैनल। 5 मिनट तक दोस्तों आप अपने डिस्प्ले को यहां से बेक करके
रख पाएंगे, रिस्ट राइज को ऑन ऑफ कर पाएंगे, टॉर्च डीएनडी देखने को मिलता है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिलता है, सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग को डायरेक्टली आप ऑन ऑफ कर पाएंगे, कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, वॉच को साइलेंट कर पाएंगे, बैटरी सेवर, अलार्म सेट कर पाएंगे, पासवर्ड भी सेट कर पाएंगे आप अपने डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों वॉच को एरोप्लेन मोड पे डालने का फीचर। यहाँ पे दोस्तों आपको कैलेंडर वगैरह भी मिल जाएगा। आप स्वैप डाउन करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, तो दोस्तों 5 से 6 लाइन का नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन करने का फीचर मिलता है, टाइम डेट इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे और दोस्तों वेदर अपडेट भी ले पाएंगे। और गाइज रिसेंटली आपने जो भी एक्टिविटी करी वो यहाँ पे शो हो जाती है। मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है, मेन्यू में सबसे पहले आपको मिल जाता है कॉल। अगर आप कॉल में जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर मिलता है, तो दोस्तों लगभग 10 कॉन्टैक्ट आप अपनी वॉच में साइन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कॉल हिस्ट्री देखने को मिलता है और दोस्तों डायल पैड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ से स्पोर्ट्स रिकॉर्ड भी ले पाएंगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलता है, हार्ट हीट मॉनिटर, अबाउट, SpO2 मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, स्टॉप वॉच, कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर, नोटिफिकेशन सेक्शन, स्लीप मॉनिटर, वेदर अपडेट ले पाएंगे, अलार्म सेट कर पाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज कर पाएंगे, वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहां पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज देखने को मिलता है, टाइमर, फाइंड माय फोन का ऑप्शन। गेम्स में जाए तो दोस्तों ओनली आपको एक ही गेम देखने को मिलेगा। यहां पे आपको कैलेंडर वगैरह देखने को मिलता है, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर वगैरह मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाए तो दोस्तों यहां से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे। अगर आप डिजिटल सेलेक्ट कर रहे हो तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप एनालॉग सेलेक्ट कर रहे हो तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पे आपको कैमरा कंट्रोल देखने को मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, और दोस्तों यहां पे आपको बेड साइड क्लॉक देखने को मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक, रिवर्ट कर पाएंगे आप अपने वॉच को, ऐप QR कोड, और दोस्तों यहां पे आपको सेटिंग वगैरह मिल जाता है। ये सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच पीसेस चेंज करने का फीचर मिलता है। जनरल में जाओ तो दोस्तों यहां से बैकअप एंड गेस्चर को ऑन ऑफ कर पाएंगे, डू नॉट डिस्टर्ब, पासवर्ड भी सेट कर पाएंगे डिस्प्ले पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और दोस्तों बेड साइड क्लॉक देखने को मिलेगा, यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। यहां से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, यहां पे दोस्तों मिल जाता है थीम्स। अगर आप थीम्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से 4 डिफरेंट तरीके से आप अपने मेन्यू व्यू को चेंज कर पाएंगे। यहां पे आपको पावर ऑफ, रिवर्ट, फैक्ट्री रीसेट वगैरह और दोस्तों अबाउट वगैरह देखने को मिल जाता है। ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों फीचर भी काफी तगड़े इस वॉच में आपको मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी फीचर इस वॉच में आपको मिल जाएंगे। इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिनों से इस वॉच को मैं यूज भी कर रहा हूं, गाइस इसका बैटरी बैकअप मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको दे देगी। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और गाइस इसके सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों हर एक वीडियो में यह बात मैं आप सभी को बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दोस्तों इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं, इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज किया करो। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 77 बीट्स पर मिनट दिख रहा था और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 72 बीट्स पर मिनट दिख रहा था, तो दोस्तों यहां पे मुझे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। जब मैंने SpO2 मॉनिटर को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा मेरे ब्लड में ऑक्सीजन और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा था, तो दोस्तों यहां पे भी मुझे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे इसने एरर दिखा दिया है। सॉफ्ट सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे भी इसने एरर दिखा दिया है, तो दोस्तों इसमें जो बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। रही बात इसके कॉलिंग क्वालिटी की तो दोस्तों वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, बस बैठा था। यार मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है, बोट का, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ, तो ये बता इसके माइक्रोफोन यार किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ क्लियर है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं।
अच्छा चल ठीक है, थैंक यू। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है जहां से आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाएंगे। रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने वाला फीचर मिलेगा, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों कॉल को ट्रांसफर भी कर पाएंगे, आप अपने फोन पे फोन से वॉच पे भी कर पाएंगे और आपको डिस्कनेक्ट करने वाला फीचर मिल जाता है। वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। डायल दोस्तों इन्होंने फुली मेटल से बनाया है, तब भी दोस्तों लाइट वेट ये स्मार्ट वॉच मुझे लग रही है। अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों कर पाओगे। और गाइस इसमें जो बेक अप एंड राइज वाला फीचर है वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। अब बात आती है 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगी है। अगर आपका बजट 3000 रुपए है तो दोस्तों इस वॉच को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो गाइज यही था बोट अल्टिमा वोग स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।